साथ में फोन लाइन से जुड़े हुए हैं मेडिकल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अविनाश गावंडे साहब। अब हम सीधा रुख करेंगे डॉक्टर अविनाश गावंडे साहब की ओर और गावंडे साहब से ये जानना चाहेंगे कि फंगल जो ब्लैक जो फंगल इंफेक्शन जो हो रहा है जिसके चलते म्यूकोरमाइकोसिस, ये जो बीमारी के सिम्टम्स आखिरकार किस प्रकार के होते हैं, इसका कैसा इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, और अब तक के शहर में जितने अस्पताल है खासतौर पर मेडिकल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल के नाम से मेडिकल को जाना जाता है, वहां पर ब्लैक फंगस के कितने मरीज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोरोना को लेकर क्या स्टेटस है, आइए तमाम बातें जानना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जो दिन रात मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं ऐसे मेडिकल के अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे साहब। डॉक्टर अविनाश गावंडे साहब, सबसे पहले आपका हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। गावंडे साहब, कोरोना इस महामारी ने तो लगभग सबको झकझोर के रख दिया है, कोरोना का वो काल हम कभी भूल नहीं सकते, और आप भी दिन रात आपकी पूरी टीम जो बतौर सेवाएं जो दे रही है वो तारीफ़ काबिल है, लेकिन ऐसे में कोरोना को लेकर एक ब्लैक फंगस, एक ऐसा वायरस, एक ऐसा फंगस जिसने कई लोगों की रोशनी चुरा ली है और उनका जीवन अंधेरा सा हो गया है, ऐसे में मेरा सवाल यह है कि आखिरकार ब्लैक फंगस ये होता क्या है, क्या कहना चाहोगे? तमाम लैक्स ऑफ पर्सन दर्शक आपको देख रहे सुन रहे गावंडे साहब। ये ब्लैक फंगस एक फंगस की बीमारी जिसको अपन हिंदी में बुरशी बोल सकते हैं, ये बीमारी जो भी कोरोना के पेशेंट है उनमें अभी पाई जा रही है, क्योंकि कोरोना के पश्चात उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है। कुछ रीजन हो सकता है कि इतनी बड़ी कोरोना बीमारी होने के कारण उसकी इम्यूनिटी कम होती है, या कभी कभी उसमें कुछ ड्रग पाए दिए जाते हैं, जैसे स्टेरॉइड ड्रग दिए जाते हैं, या कुछ पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी रहती है, अलग से बीमारी रहती है, कैंसर रहता है उसको और ट्रीटमेंट शुरू रहती है, ऐसे लोगों में जिसकी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, ऐसे इसमें ये फंगस बुरशी इसके संसर्ग होने के चांसेस रहते हैं। ये जैसे संसर्ग कहाँ पे हुआ उसके उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स होते हैं। मेनली तो उसका जो एंट्री है, जो बुरशी और जंतु अंदर जाते हैं वो एक नाक या मुंह से जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्किन पे भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उसके अलग अलग टाइप है। जैसे कि राइनो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं, राइनो सेरेब्रल मीन्स जो नाक है, नाक के आजू बाजू में जो साइनसेस है वो साइनस का इन्वॉल्वमेंट और साथ में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना। दूसरा है लंग का फंगस, लंग में इन्वॉल्वमेंट होना। तीसरा क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मीन्स स्किन में जो स्किन के पार्ट है अपने बॉडी में जो स्किन है वहां पे फंगस होना। और बाद में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी पेट में जो जो अपनी आतड़ी है उसमें फंगस होना। और पांचवा है डिसेमिनेटेड यानी बॉडी के हर पार्ट में भी फंगस होना। ऐसे टाइप के फंगस के अलग अलग पार्ट है। जैसा पहला आपको बताया कि राइनो सेरेब्रल फंगस सेरेब्रल, तो इसमें जो साइनसिस है उसका बुरशी का इन्फेक्शन हो सकता है, इसके लिए एक साइड में स्वेलिंग आना या कभी सर दर्द होना, कभी जो नेजल ब्रिज है वहां पे काला ये आना, या अंदर जो मुंह खोलने के बाद अंदर देखते हैं वहां पे काला कलर का व्रण आ जाना, ये उसके लक्षण है। लेकिन साथ में यदि पल्मोनरी लंग यानी लंग का यदि जैसे हुआ तो लंग के फंक्शन फीवर आना, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सैचुरेशन कम होना, ये लंग के लक्षण है। और वैसे क्यूटेनियस यानी स्किन में जो आता है, स्किन का पार्ट जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, अल्सर तैयार होना, काला पार्ट तैयार होना, ये स्किन के है। तो ऐसे ही इसके ब्रॉडली ऐसे सिम्टम्स है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने ये जो सिम्टम्स बताया है कि कैसे इसके लक्षण होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, काफी अच्छी आपने जानकारी दी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि जैसे ये जो डिसीज है, जो ब्लैक फंगस, क्या ये संक्रमण, इसका संक्रमण बढ़ता है क्या, संसर्गजन्य ये बीमारी है क्या, और क्या ये सच है, और इसके इसका निदान कैसे किया जा सकता है साहब? ये अभी जैसा भी उसका निदान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, कौन से उसके सिम्टम्स है, और साथ ही साथ जैसा कोविड जैसी अभी महामारी शुरू है इसका यहाँ पे एरिया में हिस्ट्री है, तो ऐसे इसमें डॉक्टर लोग अपने दिमाग में इसका सस्पेशन लेते, एक सशंकता रखते कि ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसे इसमें डिपेंड करता है कि जैसे यहाँ का फंगस हुआ तो उसका स्कैन करना, एक्सरे करना और उसके हिसाब से उसका डायग्नोसिस करना, ये निदान करना, ये उस पर होता है। उसका जनरली एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो नेजल कैविटी है, ओरल कैविटी है, वही उसी में से संसर्ग होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं।
सर ये जो बीमारी है कोरोना से जो रिकवरी जो रिकवर हो चुके हैं ऐसे जो मरीज है ऐसे जो पेशेंट है ऐसे व्यक्ति को हो रही है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्या कोरोना का रिकवर होना क्या ये एक दस्तक देता है ब्लैक फंगस? कोरोना में एक तो ये बड़ी लंबी बीमारी है, कभी कभी तो जनरली देखा जाए तो आप 98% कोरोना असिम्प्टोमेटिक या जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ इसमें मॉडरेट टू सीवियर केसेस हो जाते हैं, और ऐसे इसमें लॉन्ग टर्म उनको ऑक्सीजन देना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम रहती है। आपने देखा है कि कोरोना में मेन ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन, मेन डायग्नोसिस होता है ऑक्सीजन कम होने के बारे में, इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ऑक्सीजन दिया जाता है, कुछ इसमें स्टीराइड दिए जाते हैं, और ये इसके कारण या बीमारी के कारण लोगों की प्रतिकार शक्ति रेजिस्टेंस पावर कम होता है, और रेजिस्टेंस पावर कम होने के कारण ये फंगस कोई भी सोर्स है, जैसे भी जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है जिसको आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है ऐसे इसमें ये फंगस मिलती है। कभी कभी जो ऑक्सीजन अपन जो ह्यूमिडिफायर थ्रू ऑक्सीजन देते बॉडी में, वो यदि उसका क्लीनिनेस बराबर नहीं रहा या फिर उसकी ट्यूबिंग बराबर नहीं, तो उसके थ्रू भी ये फंगस इन्फेक्ट हो सकता है। सर जहाँ छोटे बच्चों की बात आती है तो जैसे भारत की यदि लोकसंख्या जन आबादी की यदि बात की जाए तो तकरीबन 130 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, लेकिन जहाँ बच्चों की जहाँ एक संख्या जो है पूरे भारतवर्ष की मैं बात करना चाहूंगा तकरीबन 3 करोड़ के आसपास ये संख्या बताई गई है, और ये जो बीमारी है इस बीमारी के चपेट में ज्यादातर छोटे बच्चों को काफी धोखा है ऐसे बताया गया है। सवाल मेरा ये है कि ऐसे में उन छोटे बच्चों को जो ये डिसीज होने जा रहा है उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए क्या कोई सोल्यूशन है? नहीं, अभी आपने देखा है कि अभी तक जो फर्स्ट वेव है उसमें बूढ़े लोग और उसके साथ साथ जिसको कोमॉर्बिडिटी बीपी है, डायबिटीज है, अस्थमा, इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और अभी जो सेकंड वेव है सेकंड वेव में आप थोड़ा सा देखेंगे तो यंग और मिडिल एज के लोग भी ज्यादा हुए, और इसके साथ साथ आपने देखा है कि अभी भी लास्ट जनवरी से जनवरी में नियर अबाउट 1191 पेशेंट थे बच्चे जिसको कोविड हुआ है, फरवरी में 2241 थे, और मार्च में 9097, और आपने अप्रैल का यदि देखा तो 32,991 बच्चे इन्वॉल्व हुए, यानी जैसे अभी वेव या कोविड के पीरियड बढ़ रहा है तो बच्चे में जो उसका संसर्ग होना आप बढ़ रहा है, और वैसे भी थर्ड वेव जब आएगी, अभी हो सके तो आना नहीं चाहिए, अपन ने ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन थर्ड वेव यदि आती है तो थर्ड वेव में बच्चों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने का चांसेस है। उसका रीजन ऐसा है कि आपने देखा है तो अभी तक मिडल एज, यंग एज और अडल्ट ओल्ड एज इनका इन्फेक्शन हो चुका है, और साथ ही साथ उसमें इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन भी अभी अवेलेबल हो गया, अभी पहले जैसा 45+ था, फिर 45 विदाउट मॉर्बिडिटी था, फिर अभी 18 से 44 तक इम्यूनाइजेशन शुरू हुआ, इसका मतलब उसमें इम्यूनिटी है। और दूसरा एक पार्ट ऐसा है कि आपने देखा है कि दिन ब दिन म्यूटेशन, कि हर लिविंग थिंग जो है वो जीने के लिए कुछ ना भी करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, तो वैसे कोविड भी जंतु ये जीने के लिए कुछ ना करते, अपना जो जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने सुना भी है कि जैसे डबल म्यूटेंट वायरस आ गए, यानी म्यूटेशन हो रहा है उसमें, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये स्ट्रक्चर चेंज होने का भी रीजन है, उसमें ट्रांसमिशन रेट बढ़ गया है, तो वो भी रीजन हो सकता है कि बच्चों में अभी कोरोना ज्यादा आने के चांसेस है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये कि कोरोना से लोगों ने अभी लोग उभर भी नहीं गए थे कि कोरोना के ठीक पीछे पीछे मानो जैसे कोरोना की एक श्रृंखला हो, इसी क्रम में ये जो ब्लैक फंगस है म्यूकरमाइकोसिस काफी जानलेवा साबित हो रहा है। सर मेरा सवाल ये था कि अब तक के मेडिकल में म्यूकरमाइकोसिस के कितने मरीज है और प्रशासन इसके लिए कितनी तैयार है, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस ये जो ब्लैक फंगस है ये बहुत ही जानलेवा और लोगों को एक उनके जीवन में एक अंधेरा बनाने वाला ये जो बीमारी है, ये जो डिसीज है, इसकी इसके ऊपर में कैसे हम कुछ पा सकते हैं, प्रशासन कितनी मदद कर रहा है मेडिकल प्रशासन को, और कितने मरीज है सर आज की तारीख में मेडिकल में? अभी हमारे यहाँ दो टाइप के पेशेंट है, जो पेशेंट कोविड ऑलरेडी ट्रीट हो चुका है या जिसको कोविड की बीमारी अभी एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो ब्लैक फंगस है म्यूकरमाइकोसिस है ऐसा एक कैटेगरी है, और दूसरा कैटेगरी ऐसा है कि जिसमें कोविड ऑलरेडी चालू है और उसके साथ ये म्यूकर माइकोसिस भी है। तो वो जो पहला कैटेगरी है जिसमें कोविड नेगेटिव म्यूकर माइकोसिस है, उसमें अभी तक टोटल 83 पेशेंट एडमिट हुए हैं, और उसमें से अभी एट प्रेजेंट 63 एडमिट है हमारे पास, और उसमें से 6 लोगों का ऑपरेशन अभी तक हुआ है,
और जो कोविड पॉजिटिव म्यूकोरमाइकोसिस है, यानी जिसमें अभी भी कोविड पॉजिटिव के लक्षण है, टेस्ट अभी भी पॉजिटिव है, ऐसे जी इसमें जी 49 पेशेंट अभी तक एडमिट आप हुए, सुन रहे सर, बात करते रहिए, आवाज आ रही है आपकी। उसमें से 29 अभी एडमिट है, यानी कोविड नेगेटिव म्यूकोरमाइकोसिस के अभी 63 एडमिट जी है जी और कोविड पॉजिटिव म्यूकोरमाइकोसिस के अभी 45 एडमिट है, एंड टोटल आपने देखा जाए तो नियर अबाउट 108 एडमिट है अभी, जी नहीं टोटल एडमिट है अराउंड 90-92, और ये सभी का हमारे अभी तक 45 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है म्यूकोरमाइकोसिस का। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल था कि मेडिकल में अब तक के कितने म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज है और प्रशासन क्या इसके लिए कितनी तरह से तैयार है, क्या कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि तीसरा वेव जो आएगी वो सबको झकझोर के रख देने वाली है। ऐसे में ये जो म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से जो पीड़ित जो मरीज जो आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और कैसे ट्रीटमेंट चाहिए, क्या कहना चाहोगे गांडे साहब? अभी म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो हमारे यहाँ दो टाइप के म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आ रहे हैं, दो ग्रुप है। एक ग्रुप में ऐसा है कि जिसका ऑलरेडी कोविड हो चुका है, जिसमें कोविड पॉजिटिव नहीं है उसको म्यूकोरमाइकोसिस है, और दूसरा जिसको कोविड पॉजिटिव है उसको म्यूकोरमाइकोसिस है। जो पहला ग्रुप है जिसमें कोविड निगेटिव है, उसके अभी तक टोटल 83 पेशेंट हमारे एडमिट हो चुके हैं, जिसमें से अभी एट प्रेजेंट 63 हमारे एडमिट है ऑलरेडी, और उसमें से 6 लोगों का ऑपरेशन हुआ है, 3 लोग डिस्चार्ज हुए, और जो कोविड पॉजिटिव म्यूकोरमाइकोसिस है वो अभी तक 49 एडमिट हुए हुए हैं, उसमें से 6 लोग डिस्चार्ज हुए और वो एट प्रेजेंट 29 एडमिट है हमारे पास। वैसे देखा जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस के टोटल हमारे यहाँ 92 पेशेंट एडमिट है, और अभी तक म्यूकोरमाइकोसिस के हमारे यहाँ 45 पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका है। सर, ये जो 45 लोगों का आपने जो ऑपरेशन किया है, खास तौर पे कौन सी ऐसी समानता दिखी है इस ब्लैक फंगस में जिसके चलते सब मरीजों को यही सिम्टम्स पाए गए हैं, खास तौर पे कौन सी ऐसी समानता दिखी इस ब्लैक फंगस में? मेनली ज्यादातर जो नाक के बाजू के साइनसेस है उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, कुछ आँख का इन्वॉल्वमेंट भी है जिसके आँख का ऑपरेशन करना पड़ा, कुछ लोग दांत जो है दांत में भी फंगस पाए गए, और जो जबड़ा है अपने तो जबड़े में ज्यादा, ये जनरली ज्यादा सिम्टम इसी के। बिल्कुल, तो सर हर मरीज के लिए कुछ खर्चा आता है म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की यदि किसी को ट्रीटमेंट करवाना हो तो इलाज बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हो रहा है, क्या कहना चाहोगे इस पूरे इलाज को, क्योंकि कितना खर्चा आता है एक मरीज के लिए? अभी तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में फ्री हो रहा है, उसका पेशेंट को कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, तो उसके लिए जो एम्फोटेरिसिन एंटीफंगल ड्रग है वो मेडिकल कॉलेज में फ्री मिलते हैं, ऑपरेशन भी फ्री हो रहा है। चलो, ये तो काफी अच्छी बात है कि मेडिकल सरकारी अस्पताल की जहाँ बात है तो वहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, दवाई का अच्छे से काफी वितरण भी हो रहा है जिसका फायदा मरीजों को यकीनन हो रहा है, और डॉक्टर की टीम चाहे नर्सेस हो, डॉक्टर की टीम हो या क्लास फोर हो, ये तमाम लोग अपनी बेहतरीन सेवाएं पिछले 1.5 वर्षों से दे रहे हैं और इनकी सेवाएं देना अभी भी जारी है। डॉक्टर गावंडे साहब के बारे में दर्शकों मैं आपको बता दूं कि दिन रात वे अपने घर नहीं गए लेकिन मरीजों के इलाज के लिए अपना पूरा कामकाज जो है उनके लिए लगा दिया था। सही में आज के तारीख में डॉक्टर गावंडे जैसे फरिश्ते हैं, भगवान का रूप है कि जो आज इस समाज की सेवाएं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी था कि एक मरीज पर यदि ब्लैक फंगस की दवाई का खर्च अगर बताने गए तो ब्लैक फंगस की दवा की जो एक बोतल होती है उसकी कीमत 6,000 से 7,500 रुपए की होती है, यदि दिन में, प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहा हूँ साहब, यदि दिन में एक बोतल 6 सप्ताह तक लेना जरूरी होता है, ऐसे में 2.5 लाख से लेकर 1.75 लाख रुपए तक का जो खर्चा होता है, और एक तरफ कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी बड़े पैमाने पे हो रही है, जैसे रेमडेसिविर की हो, ऑक्सीजन की हो, ये बीच में कुछ ऐसे भी केसेस आए थे तो कालाबाजारी बढ़ने से एक मरीज का खर्चा 5 से 6 लाख रुपए तक बढ़ा है, ऐसे में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं अगर वे प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो? एक्चुअली देखा जाए तो जो एंटीफंगल दवाइयाँ है वो 3 टाइप के, एक तो लाइपोसोमल है और ये जो अपने अपने यहाँ जो है 3 टाइप के इंजेक्शन है, तो लाइपोसोमल जो है वो थोड़ा सा सबसे कॉस्टली इंजेक्शन है, उसका खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन बाकी लाइफिलाइज है उसका थोड़ा सा कम खर्चा है, और ये जो यूज करते जो कम खर्चा है तो उनमें थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है,
इसलिए सादे पेशेंट जिनका एज कम है तो उसको कम रेट वाली यूज करना चाहिए, और जिनके प्रॉब्लम है किडनी का प्रॉब्लम है या बड़ी बीमारी है उनको थोड़े से अच्छे वाली कॉस्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज में तीनों टाइप के इंजेक्शन अवेलेबल है और वो फ्री में है। ये काफी अच्छी बात है कि मेडिकल अस्पताल में पूरी तरह से सभी सहूलियत है और सरकार की तरफ से आपको काफी अच्छा दवाई भी दी गई है, जिसके चलते आप इसका काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। जो मरीज जिनको सही में जरूरत है उनके कामकाज वो दवाई आ रही है। अगर ये तो रही सरकारी अस्पताल की बात, लेकिन जहाँ प्राइवेट अस्पतालों की बात है, यदि सरकार ने इसको और कहीं ध्यान नहीं दिया तो बहुत बुरी खबर भी आ सकती है, क्योंकि अस्पताल में आज के तारीख में दवा भी मौजूद नहीं है। कालाबाजारी भी शहर में जोरों शोरों से हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। संक्रमण को रोकने वाली एंटी फंगल दवा की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत परिस्थिति बिगड़ सकती है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? नहीं, गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, अभी अवेलेबल है मेडिकल कॉलेज में तो इंजेक्शन दवाई अवेलेबल है और वो लेना चाहिए, सबने यूज करना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिल्कुल, मेडिकल प्रशासन के पास में ये दवाई पहुंच चुकी है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ये पहला केस आया था, जो 32 वर्षीय दिल्ली का राजेश नाम का एक मरीज एडमिट हुआ था और संक्रमित होने के बाद कॉकटेल एंटीवायरल दवाओं का उसने सेवन किया और निगेटिव होने के बाद ब्लैक फंगस उसे हुआ था। 14 दिसंबर तक 10 मरीज वहां पे एडमिट थे, भर्ती हुए, जो कि 50% उनमें से कई लोगों की आंखें उन्होंने गवा दी, उनका ब्लैक फंगस से उनकी आंखें नहीं थी। सर, शहर में आज जो कामकाज जो बड़ा है, व्यस्ततम लोग काफी रहते हैं, एक तरफ शहर में लॉकडाउन का भी माहौल है, ऐसे में आपके पास जो मरीज आते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे उनके परिजनों को, उनके परिजनों के मन में क्या चलते रहता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा आखिरी का सवाल सर, आपने काफी अच्छी जानकारी ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में दी है और घर बैठे लाखों लोग आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, और कई लोगों के ये सवाल थे जो मैंने आपसे उनका उनके माध्यम से मैंने आप तक के पहुंचाया हूं, और आपने काफी अच्छी जानकारी देते हुए एक अवेयरनेस का काम आपने किया है। सर, मेरा सवाल ये था कि पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना की इस जारी जंग में, लड़ाई में, आप दिन रात आपकी जो टीम कामकाज कर रही है, तो ऐसे डॉक्टर की टीम हो या नर्सेस की हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, इन लोगों को प्रिकॉशन के लिए क्या मेडिकल प्रशासन कामकाज कर रही है? नहीं, अभी जो म्यूकोरमाइकोसिस है जो होने के चांसेस, उसके प्रिवेंशन के लिए हमने पहले से ही सिस्टम हमारे मेजर शुरू है, जैसे कि हम जो ऑक्सीजन पॉइंट है जहाँ से ऑक्सीजन डिलीवर होता है उसका क्लीनलीनेस, उसके लिए भी हमारे एजेंसी है, और ऑक्सीजन जिसमें से जाता है जो ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई होके जाना चाहिए तो उसमें पानी रहता है, तो पानी उसमें डिस्टिल वाटर रहना चाहिए, वो भी हम रेगुलर लेवल टाइम पे बराबर उसको चेंज करते हैं, और जो ह्यूमिडिफायर है वो ह्यूमिडिफायर क्लीन करके उसको स्टरलाइज करने का काम भी करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड में, और साथ साथ उसके जो ट्यूब है उसको भी क्लीन करने का काम करते हैं, और एक पेशेंट की ट्यूब दूसरे पेशेंट के लिए यूज नहीं करते, इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होने के लिए जो मेजर्स लेना चाहिए वो पहले से ले रहे हैं, और उसके कारण ही मेडिकल कॉलेज में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस कम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अच्छी उपलब्धि कहना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना और कोरोना से जुड़ा हुआ ये दूसरा संकट म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, जिससे कई लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ रही है, ऐसे में मेडिकल प्रशासन और मेडिकल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अविनाश गावंडे सर और उनकी पूरी टीम दिन रात काम कर रही है और काफी अच्छा कामकाज कर रही है, और अब तक के कई कोरोना मरीज भी अच्छे हो चुके हैं, किसी की डेथ भी हो चुकी है। लेकिन आज नागपुर शहर में जो कोरोना का संख्या जो कम हुई संक्रमितों का, अगर इसका क्रेडिट यदि किसी को जाता है तो वो हमारे शहर के तमाम डॉक्टर्स, आप जैसे डॉक्टर्स की पूरे टीम को जाता है, जो बखूबी के साथ दिन रात अपने खुद की परवाह न करते हुए कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही है और उनके जीवन में एक अच्छी जीवन में एक उमंग ला रहे हैं, ऐसे मेरे तमाम डॉक्टर्स को मैं एक बार मेरे तमाम दर्शकों की ओर से सैल्यूट करता हूं। तो दर्शकों, आप थे म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को लेकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मेडिकल के डॉक्टर अविनाश गावंडे साहब, जिन्होंने बताया है कि म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के कैसे लक्षण पाए जाते हैं, कैसे उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है।
तो हम लोगों ने सतर्कता बरतना चाहिए, यदि हम हमारे मित्र परिवार में, हमें या हमारे परिवार में यदि इस प्रकार का कोई भी शख्स दिखता है तो उसको तत्काल मेडिकल मेडिकल में लेके जाए, उनकी ट्रीटमेंट करवाए, ताकि वो भी ब्लैक फंगस से बचे और दूसरे भी इससे संक्रमित ना हो, यही समय की मांग है। डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। तो दर्शकों, अगली बार फिर हम ऐसे ही शहर के किसी तज्ञ डॉक्टर के साथ में बातचीत करते रहेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल विजन न्यूज नागपुर। नमस्कार, बहुत बहुत डॉक्टर गावंडे साहब आपका धन्यवाद।